नमस्कार दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 प्रोसेस कॉस्टिंग का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अगर इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन अगला हो गया, अगर इस तरह के क्वेश्चन आप अपने आप पूरे कर लेते हैं तो समझ लिए आपको प्रॉपर प्रोसेस कॉस्टिंग आ गई है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, अब दिखेगा। ये रहा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन देखिए आप और इसको ध्यान से पढ़िए जैसे मैं अभी पढ़ता हूं। प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस एबीसी, 3 प्रोसेस है एबीसी करके, डिफरेंट डिटेल्स आर गिवन बिलो, और कुछ विभिन्न प्रकार की डिटेल्स हैं जो आपको दे रखी है। यूनिट्स इंट्रोड्यूस, प्रोसेस ए में 10,000 यूनिट लगाए हैं, 1 रुपये उसकी कीमत है एक यूनिट की। फिर सन्ड्री मटेरियल्स है 1,000, 1,500, 500, लेबर है 5,000, 8,000, 6,500, डायरेक्ट एक्सपेंस है 1,050, 1,188, 2,008 ओनली। नॉर्मल वेस्टेज 3%, 5%, 8%, वेस्टेज सोल्ड एट 25 पैसा पर यूनिट, 50 पैसा पर यूनिट, 1 रुपी पर यूनिट। फिर आउटपुट है तीनों प्रोसेस की, और आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है 4 तरह की अकाउंट्स, प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट। तो इतना सब कुछ बनाना है आपको, इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं फुल फ्लैज क्वेश्चन, जिसमें आपको सब कुछ ही बनाना होता है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप 2-3 बार देखिए, 4-5 बार करिए और बस आपको प्रोसेस कॉस्टिंग आ जाएगी। आइए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले मैं बनाता हूँ उसके प्रोसेस अकाउंट ए का, और कोई दिक्कत इसमें ऐसी आएगी नहीं। देखिए यूनिट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं आपके 10,000 यूनिट और 1 रुपए के हिसाब से, तो 10,000 ही बने वो। फिर आपके पास खर्चे हैं 3, सन्ड्री मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सन्ड्री मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये इनके अमाउंट्स आ गए, ये टोटल आ जाएगा जी। अब बात करते हैं नॉर्मल वेस्टेज की। नॉर्मल वेस्टेज है 3% प्रोसेस ए में, तो 10,000 का 3% कर देंगे, बन गया 300। और ये किस रेट पर बिकेगा, वो रेट भी दे रखा है साफ साफ इसमें, 25 पैसे पर यूनिट। तो इसलिए 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, 25 पैसे हैं, 0.25 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 75। अब इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट भी आपको दिया हुआ है, प्रोसेस बी का आउटपुट दिया है 9500। अब इसके बाद ये तीनों वैल्यूज हमें निकालनी है, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं इसमें एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल इफेक्टिव। इधर का टोटल है 10,000, इधर का टोटल है 300 और 9,500 यानी कि 9,800। तो यूनिट्स यहाँ पर कम पड़ रहे हैं तो ये यहाँ पर आ जाएंगे 200। तो 200 हो गया हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज। अब इस 200 की वैल्यू कैसे आएगी, वो वैल्यू ऐसे आएगी, तो ये जो है इसे आप ना यहाँ पर लिख देना इसके नीचे, तो क्योंकि ये एबनॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू है। तो देखिए ये टोटल ले लेंगे आप सारा, वो ये हो गया। फिर नॉर्मल लॉस वाला जो अमाउंट है वो ले लेंगे ऊपर माइनस में, फिर नीचे यहाँ के यूनिट्स और फिर नीचे लॉस वाले यूनिट्स, तो इससे हमें मिल जाता है कॉस्ट पर यूनिट, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 200 से तो ये आपको मिल जाएगा 350, कोई नई चीज नहीं है। फिर इस 17,050 में से, ये टोटल में से ये दोनों आइटम माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 16,225, यानी सिंपली सिर्फ बैलेंस करना है। इस तरह से आपका प्रोसेस ए जो है वो कंप्लीट हो गया। आप प्रोसेस बी बनाएंगे, प्रोसेस ए का जो ये आउटपुट था वो इसका इनपुट बन जाएगा 9,500, 16,625। फिर जैसे इसके 3 खर्चे थे ऐसे इसके तीनों खर्चे हमने यहाँ पर लिख दिए जो हैं। फिर नॉर्मल वेस्टेज देखें तो नॉर्मल वेस्टेज इसकी है 5%, तो 9,500 का 5% किया तो मिल गया 475। अब ये जो 475 है, अब इसके बाद हमारे पास है प्रोसेस सी का आउटपुट, आउटपुट भी दिया हुआ है हमें 9,100 साफ दिया हुआ,
अब बैलेंस कर लेते हैं, 9500 यहाँ पर है और इसका टोटल करें तो ये बनता है 9575, मतलब ये ज्यादा बन रहा है इस साइड का, तो इस साइड में 75 आ गया। अब क्योंकि इस बार यहां कम पड़ रहे थे इसलिए इसको कहेंगे एबनॉर्मल इफेक्टिव। अभी एबनॉर्मल इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी होगी और एक नॉर्मल लॉस की वजह से जो है उसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो इसका तो रेट दिया ही हुआ है 50 पैसे का, तो इसको 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू ऐसे निकालेंगे, वही यहाँ का इन चारों का अमाउंट वो ये आ जाएगा माइनस लॉस वाला अमाउंट डिवाइडेड बाय यहाँ के यूनिट्स माइनस लॉस वाले यूनिट्स, कुछ भी नया नहीं है। और 75 की वैल्यू निकालनी है इसलिए 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमारे पास वैल्यू आ गई 225 की। फिर इन सब में से आप 238 माइनस कर देंगे तो ये बैलेंस आ जाएगा 27,300, यानी कि जो ये आउटपुट होता है ना उसके लिए आपको सिर्फ बैलेंस करना होता है और इससे पहले जो नॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल लॉस है उनकी वैल्यूज निकालनी होती है। और जो नॉर्मल लॉस होता है तो उसको उसका तो आपको रेट दिया ही होता है, तो जो वैल्यू है वो सिर्फ आपको एबनॉर्मल लॉस की या एबनॉर्मल इफेक्टिव की निकालनी होती है। इसके बाद प्रोसेस सी आ जाता है हमारे पास, जो प्रोसेस बी का आउटपुट है वो हो जाएगा इसका इनपुट 9,127,300। फिर इसके तीनों मटेरियल तीनों जो एक्सपेंसेस है वो आ जाएंगे, ये तीनों आपके एक्सपेंसेस आ गए। फिर नॉर्मल वेस्टेज इस बार दिया है आपको 8%, ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया, 9,100 का आप कर देंगे 8% और फिर 1 रुपये उसका रेट है तो 1 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। और सिर्फ यूनिट्स के लिए इन दोनों से आपको ये मिल जाएगा। अब इसका जो फिनिश स्टॉक है, फिनिश स्टॉक इसका दिया हुआ है 8,100, तो 8,100 हमने ये लिख दिया। अब इस 80 अब बैलेंस करके देख लेते हैं, यहाँ पर है 9,100 और इन दोनों का माइनस करते हैं तो वो 272 कम पड़ रहा है, यानी बैलेंस यहाँ पर आ रहा है, तो ये बन गया एबनॉर्मल वेस्टेज। अब इस एबनॉर्मल वेस्टेज की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे निकलेगी, फिर वही करेंगे यहाँ का सारा टोटल माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट डिवाइडेड बाय यहाँ के यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, फिर वैल्यू निकालनी है 272 की इसलिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो वैल्यू है टोटल आ जाएगी 1,156। फिर इस पूरे अमाउंट में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा फिनिश स्टॉक वाला, वो आएगा 34,424। तो इस तरीके से आप बनाएंगे अपने प्रोसेस अकाउंट। इनके अंदर कुछ भी नया नहीं था, सिर्फ तीन प्रोसेस अकाउंट बनाने थे। अब इसके बाद चलते हैं जो उन्होंने कहा कि नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल इफेक्टिव, ये आपको बनाने हैं अकाउंट्स। तो सबसे पहले बनाते हैं जी नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लॉस का अकाउंट। तो अब इन तीनों के अंदर जहां जहां कहीं भी नॉर्मल वेस्टेज या नॉर्मल लॉस है वो तीनों हम उठाकर हम मार देंगे। प्रोसेस ए में है 300 यूनिट और 75 यूनिट 75 रुपए, 300 यूनिट 75 रुपए। बी के अंदर है 475 यूनिट 238 रुपए, 475 यूनिट 238 रुपए। और इस तरह से सी के अंदर है 728 यूनिट्स 728 रुपीज, तो वो भी ये आ गए। देखिए ये जो लॉसेज है वो इस साइड में है, ठीक है, तो वो हमेशा दूसरी साइड ही ट्रांसफर होते हैं तो वो यहां पर आ जाएंगे इस साइड में, तो ए बी और सी इस तरीके से आ जाएंगे। अब क्या करेंगे कि अब इनको ना बेचा जाएगा, जैसे हम एबनॉर्मल लॉस में बेचते हैं कबाड़ी को तो उसी तरह से हम कबाड़ी को बेचेंगे। वैसे तो ये कबाड़ी को देखिए बिक ही चुका है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमें करना पड़ रहा है, अभी आप देखेंगे। तो यहां पर हम करते हैं बाय सेल प्रोसीड्स, ये रहा ए बी सी। देखिए ए के 300 यूनिट थे तो ये 300 यूनिट आ गए, इसका रेट 25 पैसे था तो 25 पैसे से ही मल्टीप्लाई करके ये आपका अमाउंट आ गया। देखिए सेम आया 375 375, कोई चेंज नहीं है, ठीक है जी। अब बी में देखिए, बी के अंदर क्या है, ये है आपका 475 और 238 और यहाँ पर रेट था 50 पैसे का, तो यहां पर हमने देखो क्या करा, 475 में से 75 माइनस कर दिया। क्यों?
क्योंकि यहां पर था एबनॉर्मल इफेक्टिव 75 का, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 475 का लॉस नहीं है, नेट लॉस जो है वो 400 का ही है, यानी कि माइनस करने के बाद। इसको आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपको लॉस हुआ 475 का, लेकिन गेन हो गया आपको 75 का, तो जो नेट लॉस हुआ वो आपको 400 यूनिट का ही हुआ। तो इसलिए ये आएगा 400 यूनिट इंटू 50 पैसे, तो 400 यूनिट और 50 पैसे से मल्टीप्लाई करके 200 रुपए। फिर तीसरे वाला, ये इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल इफेक्टिव नहीं था, तो 728 वही सेम आ जाएगा 1 रुपए के हिसाब से। फिर ये जो आपके 75 यूनिट थे, ये 75 यूनिट आएंगे अब, और रेट वही अप्लाई होगा जो इसके ऊपर लगता है, जिस पर नॉर्मल लॉस बेचा था। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल लॉस इस पर कितने में बेचा था, 50 पैसे में, तो ये 75 यूनिट अब 50 पैसे में बिकेगी और ये हो जाएगा आपका 38 रुपए। इस तरह से आप बैलेंस कर देंगे और बैलेंस जो है वो एकदम सही आएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम हमारा एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। अब इसमें से जिस जिस में भी एबनॉर्मल वेस्टेज है वो उठा के हम रख देंगे दूसरी साइड। एबनॉर्मल वेस्टेज इसके अंदर है 200 और 350 यूनिट, 200 और 350, ठीक है जी। तो इसके अलावा इसमें तो इफेक्टिव था, सी के अंदर है एबनॉर्मल वेस्टेज 272 और 1156 ही आ गए। अब इनको हम बेच देंगे कबाड़ी वाले रेट पे, इसके अंदर 25 पैसे का रेट था और इसके अंदर 1 रुपए का रेट था, तो ये वाले यूनिट हमने 25 पैसे पर बेच दिए और ये 1 रुपए पर बेच दिए। यूनिट तो सेम ही रहेंगे, मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है वो हम यहाँ लिख देंगे। अब उसके बाद कर देंगे सिर्फ इसका बैलेंस, और बैलेंस करते हैं तो हमें मिलता है 1184। ये 1184 जो है वो है हमारा कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, इतने का लॉस हमें हो गया। अब इसके बाद आखिरी है एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट। एबनॉर्मल इफेक्टिव सिर्फ ये एक ही था, 75 और 225। अब क्योंकि ये इस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। ये आया है प्रोसेस बी से, 75 और 225। अब क्या करेंगे कि इसको उसके जो कबाड़ी वाला रेट था उसी पर इसको बेचेंगे। तो इसका कबाड़ी वाला रेट था 50 पैसे का, तो अगर इसको हम बेचते तो ये 38 रुपए का बिक जाता। अब इसके बाद कर लेंगे बैलेंस, तो जो नेट प्रॉफिट जो हुआ है कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा वो हुआ है 187। 225 रुपए का तो बेनिफिट हमारे को बनता ही है, तो लेकिन उसको अगर हम बेच देते हैं कबाड़ी के रेट पे तो उसके अलावा 187 का हमें और फालतू में प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से ये अकाउंट पूरा क्लोज हो जाएगा और इस तरह से ये आपका बन जाएगा एबनॉर्मल इफेक्टिव अकाउंट। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आप कई बार कीजिए और इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। मिलता हूं मैं आपसे अब अगली एक और बहुत बढ़िया वीडियो में। धन्यवाद।